हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन ऐसे दिग्गज स्टॉक से रिलेटेड जिन्होंने जिनमें से एक स्टॉक ने तो मल्टी बैगर रिटर्न दी है एक ने दो ने एक ठीक ठाक रिटर्न दिए पैसा को लगभग डबल कर दिया है बट स्टिल वो स्टॉक्स यहाँ पर अभी तक नहीं चले ओके okay, और जिसे कहते हैं ना वैल्यू बाइंग ऐसे लेवल पर वो आके खड़े हो गए हैं हैं से कि अगर हम उस पर पैसा डालते आंख बंद करके भी पैसा डाल देंगे तो यहाँ पर आपके पैसे स्विंग ट्रेडिंग के से यहां पर डबल होते हुए दिखाई देंगे और इस बार का जब ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर ये शेयर आपको बेहतरीन रिटर्न देता हुआ नजर आएगा तो आइए उस लेवल पर बार बार आके रुक रहा है और जब भी मैंने देखा है उस लेवल पर जब शेयर आता है तो बार बार यहाँ पर कोई भी शेयर हो किसी भी तरीके का शेयर हो उसके बाद एक अच्छी खासी जंप आती है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हो रिक्वेस्ट करूंगा को करें, शेयर करें के साथ इस तरह के वीडियो बेसिस में एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है ये एक आई कंपनी है जो कि नेश डेक लिस्ट हुई इंडिया की आईटी कंपनी है और उसने अपने 500 कर्मचारियों को पांच सौ एम्प्लॉय को यहाँ पर करोड़पति बना दिया और इंडिया की क्या भारत में भी ऐसी कंपनी है जो बना सकती है तो हाँ एक कंपनी मुझे नजर आती है इस शेयर को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी तो प्ले थ्रू करिए बैंक साल की रिकमेंडेशन है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और वो हम बात चलते हैं वीडियो पे तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं तीन शेयर एक ही कैटेगरी के आपको समझ में ही जाएगा सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात गैस की अगर हम यहाँ पर इस वीडियो इसे को देखते हैं तो गुजरात गैस से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है आई बटन पर लिंक दे दूंगा देख लीजिएगा गुजरात गैस यहाँ पर देखिए काम करता हुआ नजर आता है अमृतसर में एज वेल एज एज वेल एज अगर बात करें हम इंडिया में यहाँ पर ये गुजरात में काम करता हुआ नजर आता है सी एन जी पी एन जी का कनेक्शन एज वेल एज ये जैसे यहाँ पर आई जी एल आईडीएल होता है और महाराष्ट्र में से एमजीएल होता है यहाँ पर जी के नाम से यहाँ पर ये यह कंपनी यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है गुजरात में तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए काफी बेहतरीन कंपनी है और मार्केट कैप यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी है तैतालीस हजार एक सौ अड़तालीस करोड़ का मार्केट कैप और जैसे जैसे धीरे धीरे सारे घरों को यहाँ पर पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है एक बार यहाँ पर सभी पूरे इंडिया को जोड़ दिया जाएगा ना तो यहाँ रखिएगा ये यह ऐसा बिजनेस है जो सदा बहार चलता रहेगा और यहाँ पर अः ये लोग पैसा

पर कम होती है नजर आ रही है वर्किंग छह सौ अट्ठासी करोड़ रुपए और जब ये यह यह यहाँ पर एड होंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कंपनी और परफॉर्मेंस करके दिखाएगी इन्वेस्टमेंट फोर्टी कैश की बात करे थी ट्वेंटी वन करोड़ का कैश यहाँ पर और बात करते हैं और भी कुछ चीजों की तो देखिए इनके आरोपी ही यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है प्रोमोटर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड गुजरात गवर्नमेंट है और एज वेल एज एफ की बात करें एट परसेंट डी की बात करें सेवन पॉइंट नाइन परसेंट पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक के पास ट्वेंटी थ्री में से परसेंट है बट यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिक्स परसेंट थ्री परसेंट थ्री परसेंट यहाँ निकाल देंगे तो लगभग दस ग्यारह के आसपास की हिस्सेदारी आस यहाँ पर यहाँ पर नजर आती है और यहाँ पर सबसे मेन बात है चार्ट तो अगर हम यहाँ पर चार्ट देखते हैं इस कंपनी का तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सबसे पहले इसने हायर लो हायर हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा था ये शेयर ऊपर भागता था फिर गिरता

तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा और करेक्ट हो चुका है और छह सौ रुपए के आसपास ये शेयर आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर से ये एक वैल्यू बाइंग यहाँ पर पिक रहेगी लगभग बात करें तीस परसेंट सत्ताईस परसेंट के आसपास की गिरावट हो चुकी है ऐसी मौका बार बार नहीं मिलता और जब भी इस तरीके फिफ्टी डीएमएस घूम जाता है बट इस बार और नीचे आ गया और जब ये और नीचे आया है तो और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तीस परसेंट के तो यहाँ पर रिटर्न ये ही मायने जो आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तीन महीने के अंदर अंदर मिलेंगे बट इसके बाद जो और शेयर और भागता हुआ दिखाई देगा तो आपको और दूसरी बात सबसे पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उसके बाद बात करें यहाँ पर फिफ्टी डीएमए टू हंड्रेड डीएमए के आसपास है एज बात करें यहाँ पर देखिए 26 का आर है यहाँ पर और आर भी देखिए आर एस भी कम है ये चीज बता रही है कि शेयर को यहाँ पर खरीद लेना चाहिए यहाँ पर आप मेरे पास ऑलरेडी है इसमें मंडे को मैं दोबारा यहाँ पर थोड़े से शेयर और खरीदूंगा इसके अलावा इन दोनों कंपनी में से यहाँ पर एक शेयर और खरीदता हुआ नजर आऊंगा मोस्ट प्रोबेबली आइडियली यहाँ पर खरीदता हुआ नजर आऊंगा तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ नजरें बनाइएगा यहाँ पर बात करें गुड़गांव नोएडा यहाँ पर ये सभी uh, मतलब राजस्थान अजमेर यहाँ पर uh, मतलब राजस्थान एज वेल well एज यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है ओके uh, okay, अच्छी खासी ये कंपनी है नो no डाउट यहाँ पर डेट फ्री कंपनी है कोई प्लाइसिंग नहीं है छब्बीस के पीई पे मिल रही है आर ओ है नाइनटीन का यहाँ पर ये आर है यहाँ पर मार्केट कैप कैप से की लगभग लार्ज है और यहाँ पर अगर इसका चार्ट पैटर्न देखे तो आपको पता चलेगा देखिए यहाँ पर एक साल में कंपनी कुछ खास यहां पर भागती हुई दिखाई नहीं दी है पैसा यहाँ पर कुछ यहाँ पर डबल भी नहीं होता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पर और जो इसका लेवल था हाईस्ट लेवल लेवल पर चल रही है बट स्टिल यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया जितना दूसरी कंपनीज ने किया है तो ऐसी कंपनी ये उन कंपनियों में से है जो वैल्यू बाइंग है जहां पर दूसरी कंपनीज भाग चुकी है ये कंपनी नहीं भागी है और यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एम जी पर आप इससे यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं मार्केट कैप यहाँ पर सब चीज पर, परसेंटेज वाइज तो आपको पता चल जाएगी हाइएस्ट एवर रिजल्ट इस बार के थोड़े से डल आए थे बट हाइएस्ट एवर रिजल्ट पेंडमिक की वजह से ये भी और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी पिछले तीन क्वार्टर से हाइएस्ट ईरली बेसिस पे ग्रोथ अच्छी खासी है कंपनी की यहां पर और यहां पर नेट प्रॉफिट कंपनी का देख, सक, देख सकते हैं हाईएस्ट टेबर है रिजर्व सबसे खासी है बोरिंग की बात करें एक सौ तेरह करोड़ की आसपास की बोरिंग है कोई यहां पर खास बोरिंग नहीं है वर्किंग प्रोग्रेस में आठ सौ सैंतालीस करोड़ रुपए लगे हुए अब बाई सौ अट्ठासी करोड़ का यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है कैश की बात करें ग्यारह सौ बत्तीस करोड़ का कैश है और यहां पर बात करते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग पैंतालीस परसेंट की यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग है और प्रोमोटर कौन है गेल और भारत पेट्रोनेट एज वेल well एज एफ आई की बात करें तेईस परसेंट यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया है इन्होंने डी आई स थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है गवर्नमेंट की बात करें यहाँ पर पांच परसेंट है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास इलेवन पॉइंट थ्री फोर है और यहाँ पर देखे तो देखिए एच डी एफ सी ने जो हिस्सा था एच डी एफ सी ने सॉरी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर पता चलेगा आएगा हाँ। तो HDFC ने हिस्सा बेच दिया था दोबारा पर हिस्सा खरीद लिया है का लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रही है तो लगभग टेन परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर भी पब्लिक की नजर आती है और हम यहाँ पर अगर बात करें आईडीएल की तो आईडीएल आपको समझ में आएगा देखिए यहाँ पर चार्ट पैटर्न यहाँ पर हम निकालते हैं तो देखिए पर मैंने एक चीज आपको बताई थी ट्रिपल बॉटम की बात हमने यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए थे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्रिपल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर ये अगर मैं आपको वैसे दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए शेयर यहाँ से अः एक बॉटम ओके फिर भागता हुआ दिखाई दिया फिर दूसरा बॉटम और ये तीसरा बॉटम और लगभग ये चौथा ही बॉटम इसे मान लीजिए और अब इस बार ये शेयर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जाएगा यहाँ पर से सीधे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये शेयर एक दो तीन यहाँ पर मानिए और ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन देता हुआ नजर आएगा इस बार का या जब ये ब्रेकआउट करेगा इस बार का जो टारगेट होगा और हाई यहाँ पर टारगेट होगा आर की बात करें तो आर एस पर देख सकते हैं यहाँ पर थर्टी नाइन के आर पे काफी बेहतरीन यहाँ पर चल गया और बार बार यहीं पर ही सपोर्ट ले रहा है और यहीं पर ही देखिए टू हंड्रेड पे सपोर्ट ले रहा है

तो टारगेट अगर हम यहाँ पर देखें इस कब विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से तो आपको समझ में आएंगे कि इसके जो टारगेट है एक मिनट ये रफ यहाँ पर कर यहाँ पर रफ ड्राइंग है तो यहाँ पर इस तरीके से मैं समझिएगा बस एज वेल है यहाँ पर एक आपको आ, अंदाजे से एक बार इस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टारगेट कितने नजर आ सात तो सौ तीन और यही मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर निकलता हुआ जाएगा और यह, और पर 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 कितने कितने के के ये ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो परसेंट रिटर्न यहाँ से होते हुए नजर आएंगे तो अगर हम यहाँ पर से देखते हैं तो लगभग लगभग बत्तीस के रिटर्न और यहाँ पर मुझे नहीं लगता है तीन महीने से ज्यादा इसे लग रही है उसके बाद ये शेयर फिर भागता हुआ नजर आएगा अब एक और शेयर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एम जी की अगर बात करें तो देखिए ये स्मॉल कैप कंपनी नजर आती है मुंबई में यहाँ पर इसका प्रेजेंस ज्यादा है डेट की बात करें ये भी डेट फ्री कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई एंड है यहाँ पर आसपास है सेम वर्क है यहाँ पर क्वार्टरली uh, रिजल्ट्स uh, की बात करें हाईएस्ट एवर यहाँ पर पिछले तीन चार क्वार्टर के रिजल्ट हाइस्ट एवर नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस हाइएस्ट एवर इसका नेट प्रॉफिट है और यहाँ पर रिजर्व की बात करें रिजर्व अच्छे खासे है बॉरिंग यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ भी बोरिंग नहीं है वर्किंग प्रोग्रेस में पांच करोड़ रुपए लगे हुए हैं इन्वेस्टमेंट हाई हजार

आ रहा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, यह, यहाँ पर ट्रिपल बॉटम ये बनाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर देखिए एक बॉटम फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा बॉटम और इसके बाद यहां पर तीसरा बॉटम और यहां से अब क्या जब चीजें निकलेंगी तो आई बिलीव कि यहां पर चीजें आपको और अच्छी होती हुई दिखाई देंगी यहाँ पर जो टारगेट हमने लास्ट टाइम भी देखे थे कितने टारगेट नजर आ रहे थे तो इस चार्ट पैटर्न पैटर्न देखिए हैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा था हिसाब से, से उन्नीस सौ के टारगेट है बट शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर देखिए टारगेट यहाँ पर यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं ये चार्ट पैटर्न बन रहा है रिवर्स कॉम यहां पर अगर बात करें कॉम्प्लेक्स कब हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ

मोस्टली थर्टी यहाँ पर देखिए सेवेंटीन परसेंट बट एक बार यहां से निकलेगा तो और ऊपर जाएगा तो थर्टी परसेंट तो मान के चलिए कि यहाँ पर तीनों शेयरों में आएगा मोस्ट प्रोबेबली मुझे आईडीएल और गुजरात गैस ज्यादा अच्छे लग रहे हैं उनमें मेरे वॉलिटिलिटी भी अच्छी खासी हो रही है और एक अच्छे खासे लेवल पर ये सारे शेयर ट्रेड कर रहे हैं बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन ही है मुझे अच्छे लगे वैल्यू बाइंग है मार्केट गिरी भी तो ये शेयर नहीं गिरेंगे इस बात को याद रखिएगा ये शेयर ने सपोर्ट ले लिया है और ये शेयर फंडामेंटली अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर है डेटफि शेयर है तो इनकी तरफ ध्यान दे बैंक चैनल की रिकमेंडेशन है वीडियो को लाइक कर दीजिए थैंक यू सो मच फॉर प्लस